हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे चैनल में फिर से स्वागत है आपका। तो आज के वीडियो में ड्रिल मशीन के बारे में बताने वाला। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था ड्रिल मशीन का, वो बहुत वीडियो अच्छा चला था, अच्छा खासा व्यूज आया था उस पर। तो मैं इसके बारे में कम से कम प्राइस में और अच्छा काम इसे मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही मैंने अपना खुद मनपसंद ये लिया है, ये एडवांस कंपनी का है और ये चाइनीज है, कोई ब्रांडेड नहीं है, बॉस डिबोल्ट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और ये मैंने अपने यूज के लिए लिया है क्योंकि मुझे कंक्रीट में मेरे पास बॉस का था। ये देखिए, मेरे पास ये बॉस का भी है, पहले ये 500 वाट का है, ये 13 mm बीट इसमें लग जाता है। लेकिन ये क्या है, कभी कभी ये कंक्रीट में होल नहीं कर पाता है। कंक्रीट के लिए मैंने ये बेस्ट मंगाया है स्पेशल। तो यहाँ पे चलिए हम इसको नीचे रख देते हैं और अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो इसका मैंने रैपर हटा दिया था और यहाँ पे रैपर जो है इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखिए, यहाँ पे कुछ एडवांस का लोगो दिया हुआ है और यहाँ नंबर है, TN नंबर है, ऐसा करके एडवांस लिखा हुआ है। तो इसको खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने उल्टा खोला है, सॉरी दोस्तों। यहाँ कुछ इस प्रकार, क्योंकि ये लिखावट ऊपर होना चाहिए, उस प्रकार से खोलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, खोलने के बाद हमें यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिला हुआ है, हमें कैटलॉग मिला हुआ है। इसमें बताया गया है कैसे हमारा ये जो इसके साथ बीट दिया हुआ है, बीट को कैसे इसमें कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये मेनू है इसका, इसको हम साइड में रखते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे देखिए, ये 20 mm का बीट लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हमें 3 बीट मिलता है, हैमर बीट, और ये हमारा एक हैमर मशीन है। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज लिखा हुआ है 230 से लेके आपको 300 तक भी ये चलेगा अच्छा। और ये इनपुट जो पावर है इसका 850 वाट है। और ये नो लिखा हुआ है, नो लोड, और यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, 850 से कम में ये चलेगा नहीं। स्पीड इसका जो RPM मोटर का दिया हुआ है 850 वाट तक है। और ये ड्रिल कैपेसिटी दिया हुआ है 20 mm का, इसमें लग जाएगा। तो ये काफ़ी बेस्ट है और लो से लो प्राइस है। और यहाँ पे मैं एक कमाल का चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये बहुत ही बेस्ट ड्रिल मशीन है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए इसके वायर भी बहुत ही अच्छे वायर लगाया हुआ है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो वायर है बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही क्वालिटी भी बेस्ट है इसका। और आप कैसे भी इसको मोड़ सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट है वायर इसका और मजबूती के साथ है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ड्रिल मशीन है जो कि ये बहुत ही लाइट वेट है। इसका वज़न ही काफ़ी वज़न है, ये 2-3 kg के समथिंग होगा। यहाँ पर देखिए, इसका कोडिंग किया हुआ है, एडवांस लिखा हुआ है, और ये TN नंबर करके जैसा बॉक्स पे लिखा हुआ सेम वैसा ही डाला हुआ है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ भी एडवांस लिखा हुआ है। यहाँ पे 20 mm रोटरी हैमर लिखा हुआ है इस पर, लेकिन ये इंचिंग के लिए नहीं है, ये आपको दो ही काम करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ये 0 पे रखते हैं तो ये साइलेंट मोड में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे हैमरिंग दो यहाँ पे करेगा, जैसे प्लास्टिक और लोहे में छेद करना है वो भी ये मशीन आपको कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस किसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बेस्ट है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और साथ ही मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इससे भी रिलेटेड, मेरा रिपेयरिंग का शॉप है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करता रहता हूँ। और मैं इसको यूज करने के लिए मंगाया हूँ और ये अच्छे है और ज़्यादा वेट भी नहीं। अगर बॉस, अगर मकेटा ड्रिल, अगर हैमर लेते हैं तो महंगा भी पड़ेगा और काम लगभग ऐसे ही करता है, सिर्फ ब्रांड के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये तो मुझे बहुत बेस्ट लगा और ज़्यादा भी भारी नहीं है, 2-3 kg के समथिंग ये होगा और पकड़ने में भी कुछ ऐसा है, बहुत ही बेस्ट लग रहा है हमको। तो यहाँ पे आपको हम ये दिखाने वाले, तो इसमें हम बीट लगाएंगे। तो बीट लगाने का तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको बीट लगाना है, तो देखिए यहाँ पे खोल लेते हैं। चलो रख, यहाँ पे अब देखिए ये वाला बीट जो हमारा है 6 mm का बीट है, ये इसको लगाना है हमको। तो यहाँ पे लगाने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा पुश करना है। पुश करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाना है। ये अब हमारा ये बीट लग गया है और इसको हम लाइन देते हैं कि हमारा कैसा वर्क करता है ये। जैसा कि मैंने प्लग इसका लगा दिया है, तो यहाँ पे ये हैमरिंग है और आवाज़ भी इसका बेस्ट है। आवाज़ भी देखिए,
बहुत ही पावरफुल मशीन है और लो प्राइस में है। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो देखिए साइलेंट में चलने लग गया है। जीरो पे रखना है आपको, जीरो पे पूरा बिल्कुल प्लास्टिक लोहे में छेद करेगा। और यहाँ पे अगर दो नंबर पे लगते हैं, इसको गियर भी बोल सकते हैं आप, दो गियर का ये मशीन है। तो यहाँ पे आप गियर जैसे ही लगाते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसका मशीन का आवाज़ देखिए। ये आपका ड्रिल में चल गया हैमर के लिए। अगर कंक्रीट में आपको होल करना है तो इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा, ये कंक्रीट के लिए हो गया। तो हम आपको चलिए इसको सैंपल टेस्ट करते हैं कि हमारा कितना देर में कितना जल्दी वर्क करता है। तो ये मैंने एक कंक्रीट का टुकड़ा लाया है, क्योंकि मुझे स्पेशल कंक्रीट के लिए लिया है, क्योंकि छत में हमारे डिश उस सेट करने के लिए हमको दिक्कत होता था। तो यहाँ पे देखिए इसको हम होल करते हैं। ये बहुत ही आसानी से अच्छे से होल कर पा रहा है, बहुत ही इजीली होल हो जा रहा है देखिए। तो ये टूट भी गया, फिर हम करेंगे इसमें। ये बहुत ही अच्छे से होल हो रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको जीरो पे रखते हैं, जीरो पे क्या है सीधा नचता है, उसमें होल करता है कि नहीं। तो ये कंक्रीट के लिए नहीं होता है दोस्तों। अगर कंक्रीट में होल करना है तो अगर डबल पॉइंट का दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको रखें, यहाँ पे देखिए जैसे ही रखते हैं कितना जल्दी ये होल कर पाता है। तो ये मुझे चलाने में बहुत बेस्ट लगा दोस्तों। अब तो इसके अब प्राइस की हम बात कर लेते हैं। तो ये मुझे 2000 रुपये का मिला है, मैंने होल सेल से लाया है ये मार्केट से, ये अपने यूज के लिए। तो मुझे ये 2000 रुपये मिला है। हम इसको ऑनलाइन नहीं ख़रीदे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का रेट जो होता है वो थोड़ा महंगे होते हैं। आप जाके दुकान से ख़रीद सकते हैं। ये 2000 में मुझे मिला है और ये काफ़ी हेवी में है, तो आप इस प्रकार से आप ले सकते हैं दोस्तों। और इससे भी पहले मैंने वीडियो बनाया था हैमर का, तो भी अच्छे अच्छे मैंने हैमर दिखाया था, उसमें भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ड्रिल के बारे में मैंने कुछ समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।